Assalamualaikum guys, this is Usman Saeed. आज है मेरा पहला व्लॉग. फिटनेस के साथ साथ थोड़े थोड़े व्लॉग बनना है, पर मजे मुझे अली गल्ला भी करता रहना, उनकी हर बात डोले ही बढ़ाते रहना. तो बहरहाल अभी जो है आज मैं करने वाला क्या हूँ, आज हफ्ता है और क्या नाम है वीकेंड था, बाहर कोरोना कोरोना चलता पे है. बर्गर खाने का बड़ा सख्त किस्म का मूड था, सख्त वाला मूड है. तो अब माज ने कहा कि बाहरों से बर्गर खाना कोई नहीं, काका तुसी घर बनाओ. तो मैंने सोचा जब घर में बर्गर बनाएंगे तो चलो इसका व्लॉग बना के आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें. थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे, घर वाले हमारा साथ देंगे और इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल करेंगे, बड़ा ही बेहतरीन चीट मील करेंगे, बड़ा हेल्थी वाला. देखो तुम्हारे सामने है माशाल्लाह टिक्कियां शिक्कियां मटीरियल तैयार हो चुकी है. यह देखो क्या बात है, दाल के साथ रगड़ा लगाया हुआ, इसको खूब दबा गए हैं. ये भी लगाएंगे, बर्तन बर्गर काट के रख ली है. वो तुसी की पूरी बरात ले आनी बर्गर दी. बड़ा मजा करेंगे मिलके. और ये देखो अंडे 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 पवा के, 6-7 अंडे पवा गया. थोड़ा थोड़ा लाल गर्मी भी हो रही, देखो गर्मी से बचने के लिए आज लग पता जाएगा जब किचन में आए हुए हैं तो बड़ा मजा आ जाएगा. चले छोड़ते हैं फटाफट जो है बर्गर तैयार कर लिया, सो मतलब साझा ना बर्गर बन जाए यार. आज फिर बर्गर चलिए चलो जी. फाइनली जो है रेडी रूडी हो गया, माल मूल रख दिया गया सारा है और चूल्हा भी बाल दिया. अब जो है बारी है कमाल करने की, अब मम्मा जान हमारा साथ देंगी. और तोबा तोबा इतनी गर्मी हुई, चूल्हा बले ही है, पापड़ जान पसीना निकलना शुरू हो गया सारा, पापड़ बन जाना सी. नहीं मम्मा जान आप चलाए फिर चूल्हा है, तो मैं जरा तुम ना आंडे तोड़ के देना. लो जी ये गया पहला, अल्लाह करे बस टूट जाए सही वाला. ऐ ना हो जोर ला बिल्डर छिलड़ ना पादी विच खैर करो टूट जाओ. टूट गया टूट गया टूट गया भाई, बिल्डर कामयाब हो गया, बिल्डर कामयाब हो गया. देखो और स्पीड बढ़ जानी है मंडी वाली. यार देखो चलो क्या बात, एक्सपर्ट हो गया भाई मुंडा. ये दूसरा लैट अभी तक तो टूटे टूटे बस अंडे ही खाए, तोड़ने भी पड़ रहे हैं. ले जी ये हो गया, अब अंडे टूटे तोड़ दें फिर इंशाल्लाह इकट्ठे अंडे नु फेटा फूटा लावांगे. उस तो बाद फिर सलाद में अभी देख रहे हो खीरे ही पड़े हैं बस, क्योंकि बंद गोभी कोई नहीं मिली. तो चलो जो अब घर में थे वही खाते हैं, कोई गल नहीं इस तरह करेंगे कल दोपहर के खाने में सलाद खा लेंगे. तो आप ही जाकर रल रुल जाएगी. नहीं मम्मा जी बड़े हैं, 6 अंडे 6-5 ये मैं सारे तोड़ दिए, बड़े हैं भाई. हेलो जी ये गया, और शुक्र है अल्लाह का छिलके भी गिनती के, कितने छिलके टूट गए अंदर. ये पंडा फेटी एक्सरसाइज हो रही है. इसी तरह करना है ना ये जी, बिल्कुल बिल्कुल बीच में नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल दे. ये टिक्कियां ये किस लिए है, ये सारा काम हो गया भाई. यहाँ भाई जन अंडे में भी डाल दे, अंडा आपको लड़ता है भाई. अंडे खैर जो बस करो तुम, जो मैं कहा बिल्डर साहब बर्गर हम बनाने आए, ये बनाने आए. खाली उबले हुए अंडे खाने वालों को क्या पता कि फ्राई अंडे कैसे होते हैं. ओहो ये तो तुमने इंसल्ट ही कर दी. बहरहाल नहीं मम्मा जी अब बताए क्या कर रहे हैं. ये हो गया अंडा फेटा गया, तेरा दिमाग छोटा हो गया. मम्मा पाओ पाओ ये लो जी, बस कारीगर बर्गर कारीगर बनने लगे हैं तो पता नहीं है क्या बनने वाला है. बस अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं की बनूंगा भाई. यार इधर आओ तुम, इधर आओ मेरे पास, बड़े मैकेनिक साहब इधर बुलाओ मैंने. और तुम ठहर तो जाओ, क्या बात क्या भाई, सब्र करो सब्र करो. ये बिल्डर साहब को दिखाएं जरा, क्या बात, पहली दफा जाके खाने लगे हैं. करके खाना ओखा होता है. ओ यार ये उखड़ क्यों रहा है, ये पैन ऊपर लगाए जरा अच्छे तरीके. अच्छा ओए यार देसी मोहल्ला ने की छुरी पड़ी है, चल यार बस लैट है जो है डबल रोटी तो मक्खन आ रहा है. ये देखो ये क्या बात, सही है ना, बिल्कुल ठीक है. छोटी साइड से ला दियो मैं भी. हां अपने लोग बड़े और जी मम्मी डैडी बने जी हम बरकर, पता लगे दस्ताने भी पा लो थोड़ी देर, ऐसे नहीं करना कोना. बिल्कुल कमेंट आ रहा था लेके भाईजान कोरोना बहुत फैले है, हाथ च दस्ताने पाओ. सही है, कोरोना ने खैर जो भी करेंगे कमेंट. ये देखो जी ये अंडे भी तैयार हो रहे थे, बाहर अंडे भी रेडी हो गए जी. ये है जी बस, अब जो है ये मम्मा जान बस टिक्की टुकी लग जाए, कारीगर हम कोई नहीं है लेकिन हाँ कारीगर बनने वाले हैं. जल्दी मान बर्गर
जिनको मसल बिल्ड करना है ना भाई, मेरा वेट नहीं गेन होता तो फिर मेरे पास आ जाना, तो मैं बर्गर तुमके खिलाऊंगा, फुला देना बढ़ के खाओगे। लो जी दूसरा बर्गर हो गया, सस्ता बर्गर भी देगा, सस्ता खसूसी डिस्काउंट फॉर सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर्स बस तुम मान हो बढ़न दे, बस मोहम्मद ना अंडे ना तैयार हो गया, ये रखे जाए इसमें मोहम्मद ना प्लेट में रखे, ये प्लेट को ले लेना नीचे से, ये लो गया जी, ये जी है जी, ये लग रही है टिकियां, देखो जी देसी मोहन से जो मजा है ना वो कोई एवं मैं छुरी पकड़ के तैयार हो जाता, बाद में पता लगना लगना ही कुछ नहीं सी मेरे को, बाद जो बर्गर भी नहीं बन रहा, देखो भाई ये देख मैंने कैसे इसको प्लेन कर दिया, मैं कहता हूँ छा गए हो मान साहब, आप छा गए, ये तो ऐसे नहीं जैसे मैं नान बना रहा हूँ, मैं कहता हूँ अंदर से डंबल ला इसके ऊपर लागे डंबल मारो, ये तो तूने सबसे अच्छी बात कही भाई, इस पर डंबल मार के ना इसको प्रेस कर देते हैं, ऐसे चार हो गए, लो जी पांचवा कटो मान साहब, पांचवा जरूरी है, चलो कट जा जा प्यार से सर जी, प्यार से काटो मगर प्यार से, हाँ जी देखो चिकन नहीं है जिन्हों रगड़ी जान दे, बर्गर है बिल्कुल नरम नरम चीज है, अच्छा चले आप पोले पोले आता ना आपकी मान लेते हैं, लोरी कट गया, हाँ जी टिक्की आ जा, ओ टिक्की ऐ पा दी थी टिक्की, ये थे उमर साहब ने तवा ये सब ना चिमटा ले लिया जी, अच्छा जी क्या चिमटा नहीं की गई रहना, पता नहीं की गई था जो भी कही था, चलो चलो सालू की टिक्की लगनी चाहिए बस, टिक्की फिक्स, हाँ हाँ टिक्की फिक्स हो गई, हो रही हो रही, होले होले हो रही होले होले, लो जी शुरुआती, ये अब आप लोगों के लिए व्लॉग बना है, है ये पसंद आए तो घर जाके बर्गर बना के खा सकते हो, मेरे से ना कहीं सुखा दे समान भाई सुला भी नहीं मारी बर्गर की, लो जी बड़ी है बड़ी है, अब ये दूसरे वाले पे भी लगाते हो बस, नहीं जी सही है ठीक हो गया, ये इसके कवर पे हो गई, अब फटाफट जो है वो लगा देते हैं, अंडे शंडे सब रेडी हो गए, हाँ जी बस रह गया तो माला या पानी के ऊपर थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच ऑयल भी डाल देना, वो इस पे ऑयल रखा हुआ है यहाँ पे फ्राई कर लेंगे, अब नहीं इसके ऊपर भी लगा देना ताकि वो आराम से फ्राई हो जाएगी ना, बस चिपकेगी नहीं, लो जी ये हो गया रेडी हमारा माल, अब हम क्या करते हैं भाईजान पहले इन्हें फ्राई कर लो, ओ काका ऐ उत्ते वाला फ्राई करेंगे ना, ओ पाइन थल्ले वाला फ्राई होना है, नीचे का भी फ्राई करना, हाँ जी तुम बेटा जरूर तेल का खर्चा करवाओगे, हमने नहीं इतना फ्राई फ्रू भी खाना, हम डाइटिंग पर रहने वाले थे, लो जी आप डाइटिंग पर रहने वाले, शॉपर ही सड़ गई कितों, ये शॉपर लाते लग गया मंडो वाला शॉपर ही था जो, बस ठीक कुछ नहीं लगा कुछ नहीं लगा कुछ नहीं लगा मम्मा जी, मम्मा जी ने पता लग गया कि कुछ लग गया, ये गया एक बर्गर, ओ बर्गर तुम टूट क्यों रहे हो, यार ले बर्गर ओवरलोड हो गए ने, ओवरलोड हो गए सिगरेट ना के पाजी सप्लीमेंट दी ओवरडोज कर देती है, नहीं पहन ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ओवरलोड कर देती है, चलो कोई बात नहीं इसको जो है, सर जी थोड़ा सा ऑयल पा के मुद्दा मारो है, ऑयल उत्तर ऑयल पाओ तेल पाओ तेल ले जी, आपके कहने पे जो है ना इसको मड़ा सा था, पता नहीं है उनकी बर्गर बनने लगा भारत, जो भी बनेगा अच्छा आपके सामने ही है भाई, हमने तो खा लेना है, टिक्कियां तो यकीनन बड़ी मजेदार बनेगी माँ जी के हाथों की है, बर्गर तो चूससी मार रहे हैं बस, बेहतरीन हो गया बेहतरीन, ऐसा तुम्हें भाई बर्गर कहीं नहीं मिलेगा जिंदगी में, याद बिल्कुल सर जी से मुद्दा ही मारे तेल लगाए से, अच्छा और यार ऐसे तेल पाओ तवे ते इसको तो उतार लू मैं, अच्छा प्लेट तो रखो ना परली वाली, हाँ ये दो बन गए हैं ना इनको सीधा, ये हो गया यहाँ से, ये भी हो गया, ले भाई चलो अब आ गई इनकी बारी, पहले तेल डाल दे, चलो उनको तो चुको उसको भी उठाते हैं, उसको भी उठाते हैं, बस 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 तेल च नुवाना नहीं गा, लो जी ऐ हम तेल हो गया, लो जी अर्तुगरुल वाले तैयार पे चल रहे हैं, देख यार पसीना तौबा तौबा गर्मी, सीधा आसान काम है खाना है, फिर कह रहे जी माँ जी ने तो पकाया ही नहीं, फिर जी माँ जी आपने गर्म होया नहीं, साला ए लो जी
ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਾਂਸੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਬਾਬਰ ਡਬਲ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥ ਚ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬਰਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੋਲ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿ ਜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਪੇ ਓਹ ਓਹ ਉਸ ਗੁਲ ਪੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਲ ਉਡਾਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚਲ ਓਕੇ ਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਵੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹਾਂ ले जी बिल्कुल अब बिल्कुल रेडी हो गया मैं सारा कुछ अब तो अंडा शंडा ए वन हर चीज रेडी बस अब क्या करना है इनकी जो है ना वो करनी है की कही था भाई ओ की कहने ने मेकअप करना है अच्छा हाँ मेकअप करना है ओहो असी तो कंजूसा दा नहीं मायोनीस ला रहे मासम मायोनीस तो खुली करके लाओ खुली करके लाओ तो पानी पा दिए भी इसे मायोनीस से मैं कहना जो हालात चल रहे हैं पा दे और लॉकडाउन की वजह से हालात खराब है लोग फर रहे भूखे तो तुम यहाँ बर्गरों में भी मायोनीस टका टका के लगा रहे मैं तो दीदी कह रहा बीच पानी पा लिया पंजी तरीक का फिर ऐलान है दोबारा चल कोई गल हूँ तो बर्गर खाई ना पहले ज्यादा नहीं है लगानी ओ की हो गया खुलिया ओ लो जी बिल्डर ते फस गया पैकेट नहीं खुल रहा फिर नहीं खुला खुल गया खुल गया खुल गया सिम सिम रुड़ गया और निकल नहीं सी रही है रुक नहीं रही खुल नहीं गया यार रुड़ गया सिम सिम हो गया करते यो नहीं करते झूठ ना बोलना मरदा सब ऐसे ही करते हैं लो जी यार खीरे अब देखो नी सलाद वैसे बंद गोभी लगानी थी थे कोई नहीं फिर खीरे देखो प्यारे भी लग रहे हैं गुरदे नहीं लग रहे वैसे एक खीरा भी खा लिया ਹੁਣ ਆਂਡਿਆਂ ਚ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਡਾ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪੇ ਗਿਆ ਔਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮੰਮਾ ਕਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਭਾਈ ਕਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਔਰ ਇਹ ਲਾਭ ਕਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਅੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਇਸ ਮਈ ਹਮਾਰੇ ਡੈਡੀ ਕਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਲਾ ਉਨਕੀ ਮਗਫਿਰਤ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਰਗਰ ਉਨਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਵਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਲੜਾਈ ਪੈਣੀ ਹੈ ਲੈ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਥਾ ਅਬ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ ਅਨ ਬਰਗਰ ਪਾਂਚ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਨਾ ਨਾ ਹੋ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਤਾ ਕੇ मैंने आप लोगों को लड़ाई से बचाया समझा करें बिल्कुल हम इनके ऊपर और अब डेकोरेशन हल्की सी कर दे जी जी करो करो मेकअप जिस तरह नई नवेली दुल्हन पे मेकअप होता था बाहर के ले जी ये हो गया ये भी आ गया लो आज मान साहब ने मायोनीज दबा के एंड की है नहीं इतनी भी लगाई बाकी के अच्छा अच्छा पापा के आप ही ला देना लो जी ये बर्गर में तेरी खैर अब इसके बाद भी अगर आप गए ना कि बर्गर रुखा लग रहा है तो फिर दादा पाजी मुंह ही रुखा है नहीं जी ओए होई यार ट्रिपल स्टोरी बर्गर ट्रिपल स्टोरी बर्गर पाइनो वो जड़े बच्चे ने वो भी पा दियो खीरे खड़े अच्छा खीरे चलो ये भी ऊपर लगा देते हैं ये देखें जी बहरहाल यकीन करें ये बर्गर जो खाएगा ना अगर बहुत ही मजा आएगा खाना तो सी आप ये सानू ही मजा आ रहा है लेकिन ये है कि अगर आप घर में बना के खाएंगे आपको सच में बहुत मजा आएगा क्योंकि घर में एंजॉयमेंट भी हो जाती है ना मजे भी हो जाते हैं शरारतों की शरारतें बहुत एंजॉय करेंगे आप ये लें जी ये रहा एक बर्गर ओ बर्गर वालो आ जाओ टूट पड़ो मुजाहिदो नारे तकबीर मार लो और बर्गरों पे टूट पड़ो ये लें जी अपनी अपनी तलवारें निकाल के तुर्की की तरफ निकल पड़ो और तुर्की की तरफ निकल पड़ो और तुर्की नहीं बनना होते जाके अच्छा अच्छा भाई ड्रामा देख देख के ना आपके जहन में तो बिल्कुल ठुस गया भाई हम तो बढ़ नहीं गया ठुस गया अब तो हम उस्मान को तरस रहे हैं उस्मान की किस्तें ही नहीं आ रही ओह चलो कोई नहीं आ जाएंगे जल्दी अब देखो यार ये टिक्की पता नहीं कौन से अंडे की निकल आई है इसके साथ भी हम वही सलूक करेंगे जो हमने पहले उनके साथ किया देखें जी हमने की है एक्स्ट्रा मेहनत तो हमारे लिए मवाद भी एक्स्ट्रा होना चाहिए ठीक है फाइनली ये मेरे बर्गर हो गए रेडी पांच बर्गर है फैमिली के मेंबर भी पांच हैं अभी हम एंजॉय करके खाएंगे और आप देख रहे हैं हालत कैसी हुई हुई है फुल पसीनों पसीन तो हमारे घर की जो ये मेरी मम्मा जी हैं कैसे सोनी मेरी मम्मा जी हैं लेकिन ये पसीनों पसीन हो के रोजाना मेरे लिए दलिया साबूदाना गोश्त रोटी चावल कितना कुछ बना के देती हैं पतली फिर नहीं होती पतली फिर नहीं होती वैसी की वैसी है
अल्लाह इन्हें इसी तरह सेहत तंदुरुस्ती दे और हमारे पापा जी की मगफिरत करे। बहरहाल व्लॉग पसंद आए तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा और इंशाल्लाह अगर इस तरह के व्लॉग आप देखना चाहते हैं मजीद तो मुझे बता दें, कमेंट जरूर करें, फिर मैं आप लोगों के लिए इस तरह के मजे मजे वाले फिटनेस के साथ साथ इंजॉय वाले मेरे अंदर का जो कॉमेडियन है ना कॉमेडियन उन्हें जगाना है, ठीक हो बस बस वो आपके कमेंट से जागेगा। बहरहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।